Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, कल का एपिसोड बोले तो बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया एपिसोड था, जिसकी शुरुआत होती है रोमिल चौधरी और सोमी की चटपटी नोकझोंक से, जो कि गिले शिकवे होते हैं कि वो बोलते हैं कि तुम सोमी किसी के सगे नहीं हो, ये सारी चीजें होती है। और रोमिल भी बोलता है तुम फिर मेरे से बात क्यों करते हो। जो बड़ी मीठी सी जो लड़ाई होती है उनकी, जो बड़ी अच्छी लगती है, तो उससे शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर अगले दिन का गाना बजता है, अगले दिन का गाना बजता है तो सब लोग जिन्होंने जो टीम ने पिज्जे खाए थे ढेर सारे, वो पिज्जा हजम करने के लिए डांस कर रहे दबा के। और जिन्होंने बेचारों ने पिज्जा नहीं खाया था, अब शरीर में जान ही नहीं है, पिज्जा ही नहीं गया अंदर, तो कैसे नाचेंगे भाई। तो केवी रोमिल और दीपक जो है वो डांस में शामिल नहीं दिखाई देते। फिर अचानक से जो एक चिरपरिचित शॉट जो दिखाई देता है कि रोमिल चौधरी अपना सोए हुए, सब डांस कर रहे हैं, सब जग गए, रोमिल सोए हुए हैं। फिर कुकड़ू को बजता है और सुरभि राणा आके रोमिल चौधरी को कहती है कि यार मतलब रोज आपका रोज का ये हो गया काम, कब तक बार बार मुझे भी कहते हुए अभी शर्म आने लगी है, तो आप खुद तो सोचो यार आप क्यों ऐसा करते हो, है ना। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उठ के वॉक करना चाहिए, आपको ये सब चीजें उनको बताती है। तो मुझे ना, मैं दोस्तों पहले मैंने काफी पुराने एपिसोड देखे तो ये लग ही नहीं रहा कि ये वही रोमिल चौधरी है जो पहले थे। रोमिल चौधरी कुछ सुस्त से, कुछ इस तरह से हो गए अभी कि जैसे यार मन ही नहीं कर रहा है कुछ ज्यादा करने को। तो काफी काफी ऐसा देखा, कभी ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे होते हैं, कभी सोफे पे लेटे होते हैं, और ये सोना तो कंटिन्यूसली ये चीज आ रही है, जो कि एक तरह से बिग बॉस के रूल तोड़ने वाली बात है। और तो मैंने महसूस किया कि पहले 10 हफ्ते जो रोमिल चौधरी था, तो वो रोमिल चौधरी में अब चेंज है। खासकर जब भाभी जी जो है रोमिल की वाइफ यहां पे आई थी, तो फैमिली वीक के बाद ज्यादा चेंज रोमिल चौधरी में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं ये ऐसा भी हो सकता है कि आदमी को यार परिवार की फैमिली की के अब मिस कर रहा हो, कि अभी लगता हो यार खत्म हो जल्दी जल्दी बिग बॉस, अब मैं घर पे जाऊं, हो सकता है ऐसा भी हो। तो लेकिन अभी ये क्रूशल वीक्स है, रोमिल चौधरी को बहुत ही एक्टिव होके खेलना पड़ेगा। तो उसके बाद बिग बॉस सबको गार्डन एरिया में बुला लेते हैं। फिर सबको कहा जाता है कि जो टास्क हुए थे, उस टास्क के बेस पे आपको क्या लगता है कि कौन है द बेस्ट परफॉर्मर। तो यहां पे सबके मत लिए जाते हैं कि कौन है बेस्ट परफॉर्मर। सब ज्यादातर लोग श्री शांत का नाम लेते हैं, ऑपोजिट टीम भी और ये इनकी टीम भी, कि श्री शांत एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मर थे। तो इनकी टीम में सिर्फ एक बंदा है सोमी, जो कि कहती है कि नहीं मैंने भी तो अच्छा खेला। इवन के रोहित भी कहते आया कि श्री शांत बेस्ट परफॉर्मेंस है, सोमी कहती है नहीं मैं भी तो खेली, मैं भी तो वहां पे खड़ी रही थी। तो यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति है, वो है सोमी के लिए जो लड़ रहा है, वो है रोमिल चौधरी। रोमिल चौधरी उनको समझाने की कोशिश करता है कि सोमी ने भी अच्छा किया था यार, ये देखो। तो जैसे वो उदाहरण देते हैं कि जिसने 100 रन मारे वो ज्यादा अच्छा प्लेयर होता है कि जो एंड में एक रन मार के टीम जिता दी, वो अच्छा होता है ना। तो यहाँ पे दीपक और केवी बिल्कुल कन्विंस बोले नहीं गलत बात है। तो श्री संत अगर वो लास्ट में वो हमसे बहुत ही चीते की उदाहरण देते हैं कि दीपक कहते हैं कि वो चीते की तरह, शेर की तरह ऐसे है कि उन्होंने बैक स्टेप लिया तो हमको लगा कि चीता चला गया है, तो लेकिन चीता फिर झाड़ी में से कूदा और हमारे वहां से लेके चला गया। ये बहुत फनी वे में वो चीज बताते हैं, और ये बात सही भी थी कि डिजर्विंग जो थे वो श्री शांत थे, तो श्री शांत को सब लोग मिलके बेस्ट जो है परफॉर्मर का खिताब दे देते हैं। तो यहाँ पे भी जब बिग बॉस पूछते हैं तो सुरभि राणा की भी बहुत मतलब वो पिन लगाना छोड़ती नहीं है। वो पूछते ये पहली बार मैंने सुना कि कोई इस तरह से पूछ रहा है कि उसने एक एक बंदे को नहीं पूछा कि भैया, क्योंकि सोमी डिसएग्री करती थी कि भैया क्या कहते हो, वो लूजिंग टीम आपका क्या कहना है।
विनिंग टीम आपका क्या है कहना कि वहां पे भी रियलाइज करा देंगे आप लूजिंग टीम हो, लेकिन लूजिंग टीम विनिंग टीम दोनों श्रीसंत का नाम लेते हैं और श्रीसंत जो है बेस्ट परफॉर्मर बन जाते हैं। अब श्रीसंत को मिलते हैं अधिकार, तो अधिकार पहला जो ये मिलता है कि काल कोठरी में आप कौन जाएगा। तो यहां पे केवी भी कहते हैं कि भाई अब पर्सनल में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि पर्सनल खुन्नस मत निकालना, पर्सनल बदला मत लेना, हंसते हुए ये चीज कहते हैं। तो श्री भी हंसते हुए उस बात को कहते हैं कि नहीं नहीं देखूंगा, वो मैं देखेगा, है ना। अब आ जाता है समय काल कोठरी में भेजने का, काल कोठरी में कौन सारे से तीन लोग जाएंगे, और ये वही टास्क होता है कि बजर बजेगा और हर बजर बजने पे एक बंदा काल कोठरी में जाएगा। इन बिटवीन सब लोगों को श्रीसंत को कन्विंस करना है कि भाई कौन डिजर्विंग कैंडिडेट है काल कोठरी में भेजने के लिए। तो सबसे पहले जो हवा घर की चलती है वो चलती है रोमिल चौधरी के खिलाफ, यहां तक कि सोमी सबसे पहले रोमिल को कह के भी आती है कि तुम्हारा नाम काल कोठरी में मैं दूंगी, तुम मीन हो, तुम ये हो वो, और रोमिल का नाम जो है काल कोठरी के लिए वो दे देती है। तो के और बताती है कि रोमिल बहुत अहंकारी है, बहुत ये है वो काल कोठरी के लिए डिजर्व करते हैं। तो ज्यादा लोग रोमिल का नाम लेते हैं तो रोमिल चौधरी काल कोठरी में चले जाते हैं। श्रीसंत बहुत प्यार मोहब्बत से रोमिल को भेजते हैं और कहते हैं कि आराम से अंदर बैठना, कोई किसी से ज्यादा बात करने की बात जरूरत नहीं है। और रोमिल अंदर बैठ के अपनी पेंटिंग करनी, चित्रकारी करनी शुरू कर देते हैं। फिर अब ये सब लोग कन्विंस कर रहे हैं, श्रीसंत को बता रहे हैं, और मतलब रोहित को खुद को छोड़ के सब लोग रोहित का नाम लेते हैं काल कोठरी के लिए कि अगला कैंडिडेट जो है वो है रोहित सुजानती। तो रोहित भी अपना पूरे अवसर लगे काल कोठरी में रोमिल की संगति देने के लिए आ जाते हैं। तो यहां पर भी हम देखने को मिलता है कि जेल के बाहर सोमी बैठी हुई बातें कर रही है, उनको चिढ़ा रही है, मतलब वो बात कर रही है कि रोहित ने मुझे ऐसा कहा था कि तुम बार बार रोमिल के पास जाती हो, इसके ये कौन होता है कि हमारे बीच में बात करने वाला। तो वो रोमिल उससे पूछता है कि भाई क्या तुमने क्या बोला, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि रोमिल तो तुम्हारे पास नहीं आता है, अगर वो मीन है अगर ऐसा तो तुम क्यों जाती हो बार बार उसके पास। तो ये चीजें होती है, तो रोमिल उसके बोलता है कि जल्द मत गा कर यार ऐसा मेरा। तो तीसरे कैंडिडेट की का जो बारी आती है जेल में भेजने के लिए, उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, शुरू भी राणा लगी हुई है पूरा बताने के लिए कि दीपक को भेजना चाहिए, क्योंकि दीपक ने एस संचालक भी उससे के साथ वो बोलते कि बदतमीजी की। तो ये सारी चीजें होती है श्रीसंत के पास आके जो बताती है, दीपक भी पूरा लगे हुए हैं कि क्यों सुरभि डिजर्व है। दीपक पूरा कन्विंसिंग तरीके से श्री को कन्विंस करते हैं, ऐसा लगता भी है श्रीसंत कन्विंस हो गए हैं। तो फिर जो है सुरभि राणा दीपिका कक्कड़ को भी जाके कन्विंस करती है, उनसे भी बातचीत करती है। तो हर एक एक बंदे का नाम आता है। यहां पे मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पहले तो लगा कि दीपिका दीपक की बात से वो श्रीसंत सहमत है और सुरभि को जेल में भेजेंगे। फिर हमने सोचा कि यार दीपिका कक्कड़ जो आके कहेगी भाई को तो एंड में नाम लेगी, वो बंदा जाएगा जेल, और दीपिका कक्कड़ कहते हैं दीपक जाना चाहिए। और क्योंकि यहां पे ये नहीं है कि एक तो बहन की बात का थोड़ा सा हो जाता है, और एक दूसरा दीपिका कक्कड़ सलाह मशवरा भी बहुत सही देती है। तो एंड में जो नाम लेना होता है तो पहले लगता है कि श्रीसंत बीच में फंसे हुए हैं, वो सुरभि का भी कहते हैं कि सुरभि में भी ये गलतियां थी, फ्लॉज दे दीपक में भी, लेकिन दीपक ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है और दीपक को जाना चाहिए। दीपक की यहां पे मैं बात करूं कि दीपक का एक जो पॉजिटिव पक्ष ये है कि दीपक ठाकुर बहुत एंड तक कन्विंस करते, लड़ाई करते कि ऐसा है वैसा है, मैं नहीं हम नहीं, ये जाना चाहिए वो होना चाहिए, पर जब एंड में फैसला हो जाता है कि भाई अब कुछ नहीं अब तो जाना ही होगा जेल, तो वो हंसता घुसता मुस्कुराता जेल में चला जाता है काल कोठरी की सजा के लिए। इसके बाद होता है अगला टास्क। तो यहां पे जो तीनों नॉमिनेट सदस्य है उनके नाम की एक तीन पेटियां रखी हुई है, बक्से रखे हुए हैं, उनमें बॉल्स हैं। तो अब सबको ये बताना है कि कौन बंदा इनमें से है जो चौथे हफ्ते में जाने के लायक नहीं है, जो आउट हो जाना चाहिए, एक एक करके के, और ऐसा क्यों है उसका आप नाम बताइए। तो सब लोग यहां पे कमाल हो जाता है कि सबसे पहले सुरभि राणा केवी का नाम लेती है, करण भी बोला बोलता है थैंक यू, और उसके बाद श्रीसंत तो उसका जो है बॉल निकाल के तो बाहर फेंक देते हैं, एक एक करके बॉल फेंक देते, जिसकी बॉल खत्म होगी तो वो बंदा जो है एक तरह से बिग बॉस की नजर में नॉमिनेट हो जाएगा, है ना। फिर जनता का फैसला देखना होगा कि जनता का फैसला इनके फैसले से मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो उसके बाद हमको लगता है कि शायद केवी प्रोमो में भी दिखाया था केवी का नाम होगा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम बोर जो है रोहित के खिलाफ जाते हैं और रोहित जो है के बॉल सबसे पहले खत्म हो जाते हैं और रोहित इन घर वालों की नजर में ऐसा सदस्य है जो 14वें हफ्ते में रहने के लायक नहीं है। तो फिर बिग बॉस यहां पे कहते हैं कि ये देखना होगा कि जनता का फैसला आपके फैसले से मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसके बाद फिर कर्णवीर वोरा इस बात से भी खफा है कि सुरभि ने फिर से मेरा ही नाम लिया कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हूं। तो सुरभि यहां पे कहती है भाई आप मेरे कंपिटिटर हो तो मैं अब नहीं खेलूंगी तो कब खेलूंगी। तो केवी जो है सोमी के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब केवी ऑलमोस्ट पापा जो है लगभग अकेले रह गए हैं। कभी कभार दीपक सलाह मशवरा देते हैं क्योंकि उनके लिए वही है कि ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ना तो सेलिब्रिटीज के बीच के रहे ना उधर के रहे। अब वो ऑलमोस्ट अकेले हैं, वो कहते हैं कि नाउ आई विल प्ले फॉर माई सेल्फ, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कैसे खेलना है ये दो हफ्ते। तो आपको क्या लगता है कि केवी को सच में समझ में आ गया है? आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आई एम हैप्पी आई एम ग्लैड। तो इसके बाद सीधा जेल में बैठे हुए बाबा रोमिल जो है बता रहे हैं बाकी सब शिष्यों को कि श्रीशांत कैसा स्मार्ट प्लेयर है, डे वन से बोले वो गेम खेलता आ रहा है, बोले ये कंट्रोवर्सी पर्शियल सेलिब्रिटी है और इसको लोग देखना पसंद करते हैं। और इसने आते ही एक मूव चली जो कि विकास गुप्ता और इनकी जो शिल्पा शिंदे की वो एग्जांपल देते हैं कि शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता को एंड तक लोग क्यों देख रहे थे, क्योंकि उनका एक लड़ाई उनकी प्रॉपर जोड़ी थी और श्रीशांत ने यहां पे आके जोड़ी को थोड़ा दूसरा रूप दिया बहन भाई का और ये लेके चला साथ में। और वो श्रीशांत का जो भी बोला उस दिन भी की भी बात करते हैं कि सब कुछ तोड़ फोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन कैमरा में कह दिया कि बिग बॉस नाटक एक्टिंग है। तो बोले बहुत बहुत सब इमोशंस के नकली होते हैं ऐसी ऐसी करके रोमिल चौधरी तुम सबको बता रहे हैं बातें और कहते हैं कि ये बंदा फाइनल में तो जाएगा, यानी कि रोमिल चौधरी खुद अपने मुंह से ये बात अक्सर राज कर ली कि श्रीशांत जो है फाइनल में उसने अपनी जगह बना ली है। तो ये सब इस एपिसोड में जो के हुआ, तो आपको ये एपिसोड ये रिव्यू कैसा लगा तो वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट कर दीजिए। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट चैनल, थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.